हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने दो स्टोरी लव स्टोरी टेलर, जो कि मेरा दूसरा चैनल है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर मैंने आर नोना बेबी की अपडेट कर दी है और आर साइलेंट लव की भी अपडेट कर दी है। और मैंने उस पर माई पर्वर्ट स्टूडेंट की भी अपडेट कर दी है। जिस जिसने नहीं सुनी वो जाके सुन लें, क्योंकि तीन अपडेट मैंने उस चैनल पर कर दी है। और आज मैं आपके साथ एक नई वांगशन स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि मेरी एक फ़ैन ने लिखी है, जो जिनका नाम है प्रिया टून्स। वो चाहती थी कि मैं इस स्टोरी को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, और जो कि एक शॉर्ट वन शॉर्ट स्टोरी है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इस स्टोरी का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिकम वांगशन शुरू करते हैं। ये एक वांगशन एफएफ है, जो कि बहुत क्यूट सी छोटी सी स्टोरी है। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि एक बार का एक टाइम होता है, यांशी क्लैन होता है जिसके कल्टिवेटर होते हैं विलियन और उनकी वाइफ, और उनका छोटा सा क्यूट सा बॉय होता है वींग। इस क्लैन में विलियन जो थे वो बेस्ट कल्टिवेटर थे, और वो अपनी ड्यूटी जो है लोगों को बचाने के लिए यूज़ करते थे। वो लोगों की जान बचाने के लिए, अपने स्पेशली क्लैन के लोगों की जान बचाने के लिए यूज़ करते थे। और एक बार विंग के जो फादर हैं और मदर एक वॉर में मर जाते हैं, और उनका पूरा का पूरा क्लैन जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। उनका क्यूट लिटिल बॉय जो था वो एकदम से भिखारी बन जाता है, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एक दिन बाय लक वो लैन क्लैन के यहाँ आ जाता है, और बाकी के दिनों के मुताबिक जो विंग था वो खाना डस्टबिन से ही उठाकर खाया करता था। ना जाने कितने सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते थे, स्पेशली एक ग्रुप होता है डॉग्स का, जो कि उस पर अटैक करता है क्योंकि वो खाना खा रहा था। और डॉग्स भी भूखे थे, वो भी उसे डरा कर उसका खाना छीन के भागना चाहते थे। लिटिल बॉय जो था वो बहुत डर जाता है और इधर उधर भागना शुरू कर देता है, लेकिन भागते भागते वो एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ उसके सामने एक दीवार थी, तो वो रोने लग जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है बहुत ज़ोर से, क्योंकि वो जानता था कि डॉग्स अब उसे काट लेंगे, और वो इस मंज़र को देखना नहीं चाहता था। लेकिन सडनली एक छोटा सा बॉय आता है और उन डॉग को वहाँ से भगा देता है। जो हमारा विंग होता है वो रोना बंद कर देता है और अपनी आंखें खोल के एक ब्राइट स्माइल के साथ थैंक यू सो मच कहता है। तभी वो विंग उससे पूछता है, कौन हो तुम? वो बॉय एक बहुत बड़ी सी स्माइल देता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम जंगचा है, मैं जियांग क्लैन से हूँ, और मैं आने वाले टाइम में जियांग क्लैन का क्लैन मास्टर बनने वाला हूँ। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी विंग बताता है, मेरा नाम विंग है, मैं यांशी क्लैन से हूँ। फिर वो सांस लेता है और कहता है, अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। तभी जंगचा कहता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे मेरे क्लैन में? मेरी शिजे बहुत खुश होंगी। और वहाँ पर जंगचा के मुंह पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है, शिजे? तभी जंगचा कहता है, हाँ, मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम जियांग यानली है, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग कहता है, थैंक यू। लेकिन एकदम से एक आवाज़ आती है और वो कहता है उनके पीछे से, नहीं, ये मेरे साथ आएगा। और तभी के तभी एक पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है, जो कि लवांगची का होता है। वो एक गुसू का सेकंड जेड है, जो कि क्लैन लीडर का भाई है। वो आपस में बता रहा होता है कि मैं यहाँ अपने भाई के साथ साई टाउन आया हुआ था मार्केट में, लेकिन मैंने नोटिस किया होता है एक छोटे बॉय को, जो कि शॉपमैन से बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो लोग उसे खाना दे दें, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। तभी ब्रदर मुझे कुछ बताते हैं, और जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। मेरी पूरी अटेंशन उस बच्चे की तरफ होती है, और मुझे नहीं पता कब क्यों कैसे वो चाइल्ड जो है वो मेरी अटेंशन को पा लेता है पहली ही नज़र में, और मुझे नहीं पता कि ये चाइल्ड कौन है। मुझे ऐसा लगता है वो बच्चा बहुत ही लोनली है इस पूरी दुनिया में। सडनली मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग उस बच्चे के पीछे पड़ गए हैं, और
मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे उसकी हेल्प करूं। मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं वहां जाकर उसे सेफ रखना चाहता था। तभी मैं नोटिस करता हूं कि उस बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और जैसे ही सब चीज़ें हो जाता है तब मैं अपने ब्रदर की साइड में आ जाता हूं। मेरे ब्रदर जो कि बहुत बिजी थे और हम सिर्फ उस बच्चे को देख रहे थे, तभी मैंने जंगछा की आवाज़ सुनी जो कि जियांग क्लैन से था, और वो उस बच्चे को अपने साथ जाने के लिए बोल रहा था। तभी मैंने ज़ोर से चिल्ला के कहा, नहीं। विंग एकदम से वांगची की तरफ देख के बोलता है, अब तुम कौन हो और तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? वांगची विंग की तरफ देख के कहता है, प्लीज़ मेरे साथ गुसू चलो, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। फिर वहाँ पर एक छोटी सी बहस होती है जिसमें लेन शिचेन अपने ब्रदर की साइड लेते हैं, क्योंकि जंगछा विंग को ले जाना चाहता था और हमारा लोवांगची विंग को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता था, और लेन शिचेन अपने ब्रदर का ही साथ देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनका ब्रदर पहली बार किसी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा उसकी अटेंशन को किसी ने चुरा लिया है। तभी और वो तभी के तभी अपनी जर्नी शुरू करते हैं गुजू लेंसेक्ट की तरफ, क्योंकि विंग ने जो था हामी भर दी थी लेंसेक्ट के साथ जाने के लिए। तभी वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर लेंचरन जो कि उनके अंकल थे, वो पूछते हैं, ये बच्चा कौन है? वांगजी कहता है, ये विंग है यांची क्लैन से, और ये बहुत ही ज़्यादा अलोन है इस वर्ल्ड में। लेंचरन चुप हो जाते हैं और वो देखते ही रह जाते हैं। तभी लवांगची कहता है, मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ गुसू में रहे। तब उसके अंकल, जो जानते थे कि वांगची बहुत ही ज़्यादा काम और चुप रहने वाला बच्चा है, वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और उसने कभी कोई भी डिमांड नहीं की अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद, और वो बहुत ही चुप हो गया है उनके जाने के बाद। वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता जब तक ज़रूरत ना हो, और पहली बार उसने कुछ मांगा था तो उसके अंकल कह देते हैं, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस बंदे को, इस छोटे से बच्चे को हमारे क्लैन के रूल्स समझने होंगे और फॉलो करने होंगे। वो स्ट्रेट फेस के साथ ये बात बोलते हैं, और जो हमारा विंग था उसे वहाँ पर रहने की परमिशन दे देते हैं। विंग जो कि बहुत छोटा था, नॉटी था, वो डेली कोई ना कोई रूल्स तोड़ दिया करता था और उसे पनिशमेंट भी मिलती थी। वांगची जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था हमारे विंग से, तो वो एक प्यारा सा डिस्टेंस अपने और अयिंग के बीच में क्रिएट कर लेता है, क्योंकि वो हमेशा एक सीरियस फेस के साथ रहता था। वो दोनों साथ पढ़ते थे और स्वर्ड की प्रैक्टिस भी एक साथ किया करते थे। वो ना जाने कितने साल साथ रहते हैं, जब तक वो 20 साल के एडल्ट नहीं हो जाते। विंग बहुत ही ज़्यादा नोटी और जॉली किस्म का इंसान था। कभी कभी वो सीक्रेटली अपने दोस्त नी हुई सिंह के से लाई हुई एडल्ट बुक्स भी पढ़ा करता था, जिसे पढ़ने में उसे काफ़ी मज़ा आता था। और अब धीरे धीरे वांगची और विंग बड़े होने लगे थे। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, वो जूनियर्स को नाइट हंट पे लेके जा सकते थे। एक दिन ऐसे ही वो डिसाइड करते हैं कि वो सारे मिलके नाइट हंट पे जाएंगे माउंटेन के टॉप पे, और वो सारे के सारे, बस एक लास्ट चीज़ थी कि उन्हें एल्डर से परमिशन लेनी थी। सारे जूनियर्स बहुत खुश थे, वो जानते थे कि उनके मास्टर वे कहीं ना कहीं बड़े एल्डर्स को, लैन एल्डर्स को मना लेंगे। इनमें से एक कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये हमारा फर्स्ट नाइट हंट है। दूसरा कहता है, प्लीज़ भगवान जी मास्टर वे की हेल्प करना। तीसरा कहता है, श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि वो जल्द से जल्दी ये काम कर लेंगे। और सारे जूनियर्स आपस में बात करते हैं, और सडनली उन्हें नोटिस होता है कि मास्टर वे वहाँ आए हैं, और वो सारे के सारे जल्दी से बोलते हैं। जैसे ही वो सारे के सारे जल्दी से मास्टर वे की तरफ जा रहे होते हैं, तभी मास्टर वे की बहुत प्यारी सी स्माइल आती है और कहती है कि क्या तुम सारे रेडी हो? तभी एक बंदा कहता है, इसका मतलब? तभी मास्टर वे कहते हैं, हाँ, हमें एल्डर्स की परमिशन मिल गई है। तभी सारे बच्चे बहुत खुशी के साथ कहते हैं, ठीक है। और मास्टर वे कहते हैं, तो जल्दी से रेडी हो जाना, हम कल नाइट हंट्स के लिए जाएंगे, गुड नाइट किड्स। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है कि आप बच्चा कैसे कह रहे हैं, मैं कोई किड नहीं हूँ। ये सुनने के बाद सारे हंसने लगते हैं, लेकिन वांगची की एक आवाज़ आती है, चुप हो जाओ, क्लाउड रिसर्स में
जोर से हंसना मना है, ये रूल के खिलाफ है, वांगजी एक सीरियस फेस के साथ उन्हें कहता है। और सारे जूनियर्स वांगजी को बो करते हैं, मास्टर वे को बो करते हैं और अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही अगला दिन शुरू होता है और वो अपनी जर्नी जो थी वो शुरू करते हैं नाइट हंट की। पहली बार वो लोग नाइट हंट पे जा रहे थे। ऐसे ही एक घंटा पास होता है, वो सारे के सारे उस रास्ते में आपस में एक दूसरे से बात करते चलते हैं और वो हिल्स के टॉप पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने बहुत ही अजीब सी वहाँ पर आवाज़ सुनी होती है जो कि झाड़ियों के पीछे ऐसे आ रही थी। तभी कोई कहता है, तुमने वो सुना? तभी एक इंसान कहता है, हाँ वो क्या है? तभी लोग कहते हैं, चलो चेक करते हैं। विंग उन्हें कहता है, केयरफुल रहना। और तभी के तभी वो एक हाथ से जूनियर्स को रोकता है और दूसरे हाथ से अपने सुबियन को निकालता है। तभी वो जैसे ही आगे एक पैर बढ़ाता है तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी बहुत बड़ी बॉडी थी और न जाने कितने हाथ पैर थे। तभी लवांगची कहता है, सुनवाओ माजान। ये सुनते ही लवांगची के फेस जो था वो पेल हो जाता है और उसकी वॉइस हस्की हो जाती है। मॉन्स्टर उन सब पे अटैक करता है अपने टेंटिकल से और वो बस खुद को बचाना चाहते थे। तभी लवांगची अपनी ग्यूचीन निकालता है और अपनी ग्यूचीन से उस बीस्ट पे अटैक करता है। विंग भी नोटिस करता है कि मॉन्स्टर जो था वो लवांगची को आग से अटैक करने वाला था। तभी विंग जोर से कहता है, लंजा, और उसके सामने आ जाता है जिसकी वजह से विंग बहुत बुरी तरह से मॉन्स्टर के थ्रू हर्ट हो जाता है। लवांगची के मुंह से निकलता है बीइंग। वो जैसे ही अपने प्यारे बिलव्ड वो विंग को ज़मीन पे गिरते देखता है, लवांगची फटाफट उसके पास जाता है और कहता है, सॉरी विंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ करहरा रही थी, उसकी आवाज़ में एक कंपन थी और इमिडिएटली विंग बहुत सारी खून की उल्टी करता है। बच्चे भी जो जूनियर्स थे वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, मास्टर वे। विंग जो था वो ग्राउंड से फिर उठता है और लवांगची की तरफ देखता है। वो एक फेक स्माइल के साथ कहता है, लंजा मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम्हें जूनियर्स को बचाना चाहिए। विंग जो था वो क्राउड में जाता है और एकदम से मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। फिर वो अपनी तलवार से अपनी उंगली पे कट लगाता है और अपने खून से एक तालिस्मान पे कुछ लिखता है और तभी वो तालिस्मान उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है जो कि जूनियर्स पीछे से देख रहे थे। तभी वो चेंचिंग लिंग निकालता है और चेंचिंग को बजाते हुए वो वहाँ पर उसके आसपास एक काला धुआं इकट्ठा होने लगता है। मॉन्स्टर उससे लड़ाई करना चाहता था बट वो नहीं कर पाता। लवांगची भी नोटिस करता है कि विंग अपना कंसंट्रेशन लूज ना कर दे। इमिडिएटली वो उड़कर आता है और अपनी ग्यूचिन वहाँ से निकाल लेता है। वो विंग की हेल्प के लिए ग्यूचिन को बजाने लगता है ताकि उसके बिलव्ड का कंसंट्रेशन बना रहे। तभी दो ग्रेट कल्टीवेटर उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट लड़ते हैं और उसे मार देते हैं। जैसे ही वो उस पर अटैक करते हैं एक साथ अपनी पावरफुल चेंचिंग और ग्यूचिन से, वो मॉन्स्टर धड़ करके ज़ोर से ग्राउंड पे गिर जाता है और काला धुआं उसके आसपास एकत्रित हो जाता है। लवांगची तभी विंग को कहता है, ये किस तरह की चीज़ तुमने अभी परफॉर्म की? उसका फेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग ने ये क्या किया है। लवांगची उस वक्त गुस्सा था और विंग समझ जाता है। लवांगची ट्रम्बल करते हुए अपनी वॉइस में बोलता है, ये क्या था विंग? विंग कहता है, मैंने वो डेमोनिक कल्टीवेशन सीक्रेटली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लवांगची उसे देखता रह जाता है। तभी विंग कहता है, जब से मैं जवान हुआ हूँ मैंने अपनी मदर को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए देखा था और मैं भी डेमोनिक कल्टीवेशन जो था वो प्रैक्टिस करना चाहता था। ये देखकर लवांगची को काफ़ी गुस्सा आता है कि विंग इस वक्त ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि विंग डेमोनिक पाथ को कहीं ना कहीं अपना लेगा या फिर उसे प्रैक्टिस करेगा। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात थी। तभी जो हमारा लवांगची था वो बाकी सबको कहता है,
नहीं, लवांगची विंग को कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई भी चीज़ सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं। लवांगची कहता है, चलो इनकी तरफ चलते हैं। सारे हाँ भर देते हैं और वो सारे के सारे इनमें पहुँचते हैं। उसके बाद जब वो सारे के सारे इनमें पहुँचते हैं तब वो अपना खाना खाते हैं। तभी जब वो खाना खा चुके होते हैं तो लंजा कहता है, हमें अपना खाना ख़त्म करना चाहिए और उसके बाद अपने रूम में सोने के लिए जाना चाहिए। जैसे ही लवांगची और विंग उस प्लेस में जाते हैं, वो रात के लिए विंग अल्कोहल ऑर्डर करता है ताकि वो रात में पी सके, और विंग और लंजा एक ही रूम में रुकते हैं रात में। और विंग जो था वो ऑलरेडी अपने लिए एम्प्रेस स्माइल ऑर्डर कर चुका था। उस दारू को दिखाते हुए विंग जो था वो लंजा से कहता है, लंजा प्लीज़ एक बार तो ट्राई करो, और वो पाउड बना लेता है। लंजा उसे कहता है, विंग मैंने तुम्हें कहा है ना मैं ड्रिंक नहीं करता। तभी विंग कहता है, प्लीज़ एक बार ना। तभी लवांगची कहता है, नहीं विंग। विंग फिर एक प्यारी सी नॉटी सी स्माइल देता है और कहता है, ठीक है मुझे लगा कि तुम। फिर वो सांस लेता और कहता है, छोड़ो इसे, मैं बाहर जाता हूँ, किसी और को ढूंढ लूँगा जो मेरे साथ पी सके। वो एक फेक सी सैडनेस अपने चेहरे पे दिखाता है और मन ही मन नॉटी मुस्कान दे रहा होता है। इमिडिएटली लवांगची शराब उठाता है और पूरा का पूरा पी जाता है। तभी वह देखता है कि लवांगची जो है वो उसका सिर टेबल पर लगा है और वो वहाँ पर बिल्कुल सो गया है। विंग जैसे ही देखता है लवांगची को कि वो किस तरह से टेबल पे उसका सिर लगा हुआ है और वो सो रहा है, एकदम से वो देखता है, चेक करता है लवांगची को कि लवांगची सो रहा है। तभी वो कहता है, रियली द ग्रेट हैंगवनचुन, इतनी जल्दी ड्रिंक हो गए, यानी कि नशे में आ गए। विंग हंसता है और कहता है, वैसे पहले नॉर्मल पीपल जो हैं वो ड्रंक होते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे सो जाते हैं जैसे कोई डेड हो। सडनली लवांगची थोड़ी देर बाद उठता है और वो विंग को घूर रहा होता है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने बिलव्ड विंग के पास आता है। तभी विंग के मन में होता है कि जब भी पीपल दारू पिया करते थे उसके बाद वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को जाहिर किया करते थे। और लवांगची भी अपने बिलव्ड का हाथ पकड़ के कहता है, विंग आई लव यू सो मच, प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना, वो भी अकेला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रखना चाहता, और ना ही तुम मुझसे कोई भी चीज़ सीक्रेट रखना। तभी विंग कहता है, ये कब हुआ और कैसे? तभी लवांगची कहता है, जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा मैं तुमसे मेंटेन करने लगा एक डिस्टेंस, क्योंकि मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊँगा। तभी विंग कहता है, किसने कहा और मैं तुमने मुझे ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये सब कब हुआ। इससे पहले विंग आगे कुछ बोल पाता लवांगची उसके लिप्स को ब्लॉक कर लेता है और दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स से टकरा जाते हैं। तभी लवांगची पुश करता है उसे डोर पे, अनटाई करता है अपने रोप को और उसके बिलव्ड के रिबन को और अपने बिलव्ड के हेड के ऊपर हाथ ले जाता है। लवांगची अपने बिलव्ड के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरा हाथ अपने बिलव्ड की बॉडी पे वो फहराने लगता है, फील करने लगता है। और लवांगची जो है वो उससे एक और किस करने लगता है। दोनों के दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। और स्लोली स्लोली आगे 18 प्लस सीन है तो आप लोग हेडफोन्स लगा लेना गाइस। वो एक दूसरे की नेक पे किस करते जाते हैं। विंग कांप जाता है और लवांगची नोटिस करता है। वो जैसे ही पैशनेटली किस कर लेते हैं तभी लवांगची एकदम से बेड की तरफ जाता है जो कि इनके रूम में था और पुश करता है विंग को और वो उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता है लवांगची और लवांगची कहता है विंग क्या मैं। तभी विंग कहता है प्लीज़ लहना रखा का कुछ मत कहो और तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। वो उसके कान में बड़ी ही हस्की सी वॉइस में कहता है। लवांगची भी उसके पास आता है। वो उसे फॉरहेड से लेकर उसकी नेक पे
दबा दब किस करने लगता है और उसकी कॉलर बोन पे बाइट करने लगता है। वीन जो कि अब मदहोश होने लगा था अपने बिलव्ड के इतने प्यारे से टच से, वांगजी उसका हाथ अपने बिलव्ड प्यारे वीन के ट्राउज़र में ले जाता है और कंटिन्यू अपनी वाइल्ड किस को करता रहता है। विंग भी अपना हाथ जो था वो वांगची की नेक से स्लाइड करके वांगची की ट्राउज़र में ले जाता है। वो भी देखता है कि उसने वांगची के ट्राउज़र में कोई चीज़ ऐसी टच की है जो कि बहुत एक्साइटेड है। वांगची भी यहाँ हार्ड होने लगता है और विंग भी दोनों के दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वांगची विंग को नीचे नहीं देखने देता क्योंकि उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। वो अनटाई करता है अपने रोप्स को और अपने बिलव्ड के रोप्स को भी, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, बाइट करते हैं। वो विंग के निप्पल को किस करता है, सक करता है और वांगची और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है, विंग के लिप्स से किस करने लगता है और धीरे धीरे उसकी फिंगर्स विंग के प्राइवेट पार्ट पे टच होने लगती हैं। विंग भी एक मुएन अपने मुंह से निकाल देता है। मुएन मतलब वो आवाज़ जो हम सेडक्टिव होते हुए अपने मुंह से निकालते हैं। तभी वांगची धीरे से उसके कान में कहता है, माइन, तुम मेरे हो, और उसके फॉरहेड पे किस कर देता है। वांगची उसे गले से नीचे किस करता है, लव बाइट करता है और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फोरप्ले करना शुरू करते हैं। विंग के मुंह से निकलता है लन अरगग, ये बोलता है और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है। वांगची भी अपना काम जारी रखता है और दोनों के दोनों एक दूसरे के ट्राउज़र में एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे थे और एक दूसरे को सिड्यूस कर रहे थे, एक दूसरे की को इतना एक्साइटेड कर रहे थे। तभी वांगची विंग की दोनों टांगों को खोलता है और विंग अपना हाथ वांगची के शोल्डर पे रख लेता है। धीरे धीरे वांगची विंग के साथ रोमांस करने लगता है और सेक्सुअल एक्टिविटी को शुरू कर देता है। दोनों की रात बहुत रोमांटिक होती है और एक रोमांटिक सेक्सुअल अट्रैक्शन के साथ एक सेंशुअल सी नाइट वो बिताते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे हर मैनर में, और वो शांति से सो जाते हैं। विंग का सिर आफ्टर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी वांगजी की चेस्ट पे होता है और वांगजी का हाथ उसकी वेस्ट के अराउंड होता है। अगले मॉर्निंग वो उठते हैं और तब वांगजी अपने ब्यूटीफुल लवर की आंखों में ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग जैसे ही उठता है वो नोटिस करता है वांगजी स्माइल कर रहा है उसे देख के। उसे एम्बेरसमेंट होने लगती है क्योंकि लास्ट नाइट जब उसके सामने आती है तो वो अपने चेहरे को ब्लैंकेट से कवर करता है। वांगची उसके चेहरे को हटाते हुए ब्लैंकेट से कहता है, विंग। विंग कहता है, वांगची कहता है, तुम्हें क्या पसंद नहीं आया जो हमने कल रात किया। विंग गहरी सांस लेता है, वांगची उसे टीज कर रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। तभी विंग फिर से स्मर्क करते हुए कहता है, ओ ग्रेट हंगवनजुन, क्यों मुझे पसंद नहीं आएगा, ऑफ कोर्स मुझे पसंद आया और बहुत जल्दी सब जान जाएंगे कि तुम बेड के अंदर एक बीस्ट हो और मुझे नहीं लगता मैं आज चल पाऊँगा खुद से, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वो पेन में था। तभी लवांगजी कहता है, सॉरी विंग, क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। तभी विंग एक स्मिर्क करते हुए कहता है, यानी कि शैतानी हंसी के साथ कहता है, नॉटी हंसी के साथ कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वांगजी कहता है, तुम भी सही कह रहे हो, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तभी विंग कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, सीरियस मत होना। वांगजी, नो नो, अभी नहीं, प्लीज़ बी जेंटल, आई लव यू लैन और अक। तभी लवांगची कहता है, आई लव यू विंग, और दोनों 3-3.5 घंटे पास हो जाते हैं और अपने रूम में रोमांस करते रहते हैं। विंग जो कि अब रूम से बाहर लड़खड़ा रहा था रूम से बाहर आते हुए, वांगजी उसे हेल्प करता है। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक जूनियर पूछता है, मास्टर वे, क्या हुआ आपके साथ, क्या आप ठीक हैं, आपको ये हर्ट कैसे हुआ। तभी विंग बहुत ज़्यादा शर्माते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कल रात बेड से गिर गया था। वांगजी के कान लाल होने लगते हैं।
और विंग ये नोटिस करके ज़ोर से हंसता है। उसके माइंड में ऐसा चल रहा था कि वो अपने बिलव्ड और अगगा को टीज करे। तभी विंग उसके कान में कहता है, क्या हुआ लैन और अगगा? और ये सुनते ही लैन और अगगा वांग जी के कान और ज़्यादा लाल हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद वो लोग जिंगशी पहुँचते हैं। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और वो जब आए थे तभी वांग जी कहता है, डोंट वरी वी, मैं जो भी होगा अंकल, जो भी कहेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ मेरे हनी हो, मेरे लव हो। तभी जो विंग था वो अपने प्यारे वांग जी को किस करता है और कहता है, ओ गॉड, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो बिना कोई वार्निंग दिए? मेरा पुअर दिल ये सह नहीं पाता। वो बहुत सारी किस करता है और कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग ये बोलता है और फिर से स्माइल करता है। इवनिंग में लवांगची लैन चरण के पास जाते हैं। दोनों लवांगची और विभूषण एकदम फेस टू फेस बैठे होते हैं। लैन चरण भी वहाँ होते हैं। तभी लैन चरण कहते हैं, तुम्हारी जर्नी कैसी रही? वांगची कहता है, अच्छी। लैन चरण कहता है, अब बताओ तुम क्या बताने आए हो यहाँ पर, क्या कहने आए हो? वांगची सीधा बोल देता है, अंकल हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि एल्डर हमें ब्लेस करें हमारे रिलेशनशिप के लिए। सबका चेहरा देखने लायक था। 2 मिनट का मौन सबके चेहरे पे होता है। तभी विंग कहता है, प्लीज़ अंकल, मैं वही करूँगा जो आप चाहेंगे और मैं रूल्स को भी अच्छे से फॉलो करूँगा। वो अपने सिर को नीचे झुकाते हुए ये बात बोलता है। तभी लैन चरण एक काम फेस के साथ और कोल्ड वॉइस में कहते हैं, एक्चुअली पहले दिन से ही मुझे पता था, बट मैं कुछ कहता नहीं था। सच बताऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम लोगों को रूल फॉलो करने होंगे परफेक्टली, और मेरे नेफ्यू को तुम कभी भी दुखी मत करना और ना ही कभी छोड़ के जाना। विंग एक स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू सो मच अंकल, मतलब इसका मतलब है कि। तभी वहाँ पर चरण कहता है, एक हफ्ते बाद मैं तुम्हारी शादी की सेरेमनी जो है वो अरेंज कर दूंगा, तब तक तुम लोगों को सेपरेटली रहना होगा। ये बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन अकेले रुकना, वो ये सब कर सकते थे। आखिर एक हफ्ते की तो बात थी, पर वो सीक्रेटली मिल लिया करते थे। और एक हफ्ते के बाद वो लोग की शादी होती है। विंग जो कि ब्राइड की ड्रेस में था और वांग जी जो कि ग्रूम की ड्रेसअप में था, उनकी शादी होती है। हॉल पूरा डेकोरेट होता है लाल कलर से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगची और विंग दोनों एक सिल्की रेड रोब में आते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था, और वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग से आए हों। सारे पीपल उनको देख के बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तालियाँ बजाते हैं। वो स्वीट कपल लग रहे थे और वो आपस में बो करते हैं और शादी कर लेते हैं। और उसके बाद वो टी का कप उठाकर चीयर्स करते हैं अपनी वेडिंग नाइट के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। फिर वो लोग अपने बेडरूम चले जाते हैं, जहाँ पर रेड कलर की बेडशीट थी, रेड नेट लगा हुआ था और रेड स्माइल स्मेलिंग कैंडल्स थी। जी हाँ, अरोमा कैंडल्स थी, जो कि लाल कलर की थी। बहुत ज़्यादा खुश वहाँ पर वो दोनों थे। तभी जैसे वो रूम में आते हैं, विंग जो है वो बैठता है बेड पे, वांगची भी उसके साइड में खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम बहुत ज़्यादा नर्वस होगे। वो टीस कर रहा था वांगची को, जिसके कान लाल होने लगते हैं। और तब वो विंग को आगे नहीं बोलने देता और उसे किस करने लग जाता है। और वांगची धीरे से उसके कान के पास जाके कहता है, कौन है नर्वस? विंग तभी तभी उसकी बॉडी में करंट सा दौड़ पड़ता है, और इससे पहले वो कुछ कह पाता वो बस इतना ही कहता है, मुझे नहीं। तभी वांगची उसके लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है। दोनों किस करते हैं। वांगची विंग की जॉ लाइन पे किस कर रहा होता है और विंग के रोप को अनटाई कर देता है और अपना हाथ उसकी बॉडी के अंदर फहराने लगता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा हंग्री एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांगची लिक करने लगता है विंग के निपल्स को, किस करने लगता है, दोनों हाथ से स्क्वीज करने लगता है। और 40 मिनट तक विंग की मोयान आह आह की आवाज़ पूरी जगह गूंजने लगती है। और वहाँ पर
वींग बार बार कहता है सो गुड वांग ची। और 30 से 40 मिनट तक वो दोनों अच्छे से एक दूसरे की बॉडी को किस करते हैं, लव बाइट्स छोड़ते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मेक लव करते हैं, गूस पम्प्स लाते हैं। और उसके बाद वींग के इतने ज़्यादा मोयन पूरी चिंगशी में गूंज रहा होता है, वांग जी उसे किस करता रहता है वाइल्डली पैशनेटली सेक्सी तरीके से उसकी बॉडी को टच करता है। तभी वींग कहता है लंजा तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं रेडी हूँ। वांग जी इमिडिएटली उसकी लेग्स को खोल देता है और वो वींग को बहुत ज़्यादा प्लेजर देने लगता है। दोनों के दोनों अपने प्लेजर में खो जाते हैं। फिर वांग जी वींग के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी वेडिंग नाइट पे परफॉर्म करता है और एक वाइल्ड सेक्सी नाइट बिताने के बाद वो लोग जब वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी से थक जाते हैं बार बार रिपीट करके, वींग जो था वो डीप किस करता है वांग जी को और उसके बाद वो दोनों के दोनों सो जाते हैं। वांग जी सुबह उठता है और वो अपने सारे मेस को क्लीन करता है। वींग भी खुद में अभी वांग जी उसे क्लीन करता है और वो वींग को हक कर लेता है जो कि सोया हुआ था। तभी वींग कहता है लव यू सो मच माय लव, और वांग जी भी उसे कहता है लव यू टू माय वींग, और दोनों एक दूसरे के फोरहेड पे किस करते हैं। यहाँ पर उनकी रात और उनकी वेडिंग डे की लाइफ की शुरुआत होती है। हाँ, जब उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही थी तब वांग जी वींग को कहता है कॉल मी हस्बैंड, और जैसे ही वींग उसे हस्बैंड कहता है वांग जी उसके साथ और भी ज़्यादा वाइल्ड हो गया था। ये क्यूट लिटिल सी स्टोरी थी जो कि प्रिया टून्स ने लिखी थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसे वन शॉट में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आपको उनकी लिखी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और उनकी स्टोरी को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि असली ऑथर जो है इस स्टोरी की वो ही हैं और पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।